गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी हुई 2024 की लेटेस्ट बजाज पल्सर N150 और हमारे सामने जो कलर खड़ा है वो है रेड। भाई कितना प्यारा कलर है और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी अभी तक, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये कलर और ये बाइक जो कि आपकी बजाज पल्सर N150 लेटेस्ट वर्जन, जिसके अंदर आपको मिलता है डिजिटल मीटर प्लस आपको मिलती है पीछे नई डिस्क। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जिसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको जो एक एक करके बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे के लुक से। आगे आपको मिलेगा यहाँ पे LED DRL का सेटअप और यहाँ पे आपका मेन प्रोजेक्टर जिसके अंदर हाई बीम और लो बीम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे से अगर आप देखेंगे इसके तो बिल्कुल आपके एलियन प्रेडेटर टाइप लुक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलती है आगे टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे तो आपको ABS देखने को मिलेगा फ्रंट टायर में। उसके बाद यहाँ पे अगर टायर साइज इसके डिस्क के साइज की बात करी जाए तो यहाँ पे मिलती है आपको 260mm की यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिल रही है, 260mm की यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलेगी। सिंगल चैनल ABS दोनों तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलॉय की बात करी जाए तो एक 125 पल्सर 125 वाला आपको यहाँ पे जो है अलॉय देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डीकैल वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अगर टायर साइज की बात करी जाए तो 17 इंच का यहाँ पे टायर देखने को मिल रहा है, 90-90-17 उसका सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पे अगर साइड में बात करेंगे तो बेली पैन, उसके बाद कैटलेटिक कन्वर्टर के ऊपर आपको जो है गार्ड टाइप का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करें इंजन की तो यहाँ पे मिलेगा आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। अगर उसके पावर फिगर्स की बात करो तो वो प्रोड्यूस करता है आपकी 14.3 PS की पावर और 13.5 Nm का टॉर्क। उसके बाद अगर मैं गियरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आपको गियरिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। रबराइज फुटपैक मिलेंगे आपके ड्राइवर के लिए और प्लेन के लिए आपको मिलेंगे लोहे के। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सी टाइप का इस तरीके का यहाँ पे सिंगान देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो कि एडजस्टेबल होने वाला है। रियर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलेगा और उसके टायर साइज की बात करते हैं, टायर साइज कहाँ गया भाई, 120-80-17 ऐसे इसका टायर साइज होने वाला है। पीछे आपको रियर टायर हगर मिलेगा। यहाँ पे आपको N150 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको पीछे का ग्रैब हैंडल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है LED टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी, हैलोजन इंडिकेटर्स आपको ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे आपको जो है इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है वो है आपको इसके अंदर मिलती है किक स्टार्ट। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लच यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसके बाद सिंगल टोन हॉर्न आपको ऑफर किया गया है। कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैश ट्रीटमेंट N150 आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे E20 फ्यूल का आपको स्टिकर लगा हुआ देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का आपको यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे 48.5 यहाँ पे आपको जो है KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का स्पोर्टी यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल बार देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ 12 इंच क्लच की बात करें बहुत ही लाइटर साइड पे। उसके बाद जो सबसे बड़े चेंजेस हुए वो है आपका यहाँ पे एक M बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे इंडिकेटर के लिए यहाँ पे स्विचेस हैं। हॉर्न की बात करें सिंगल टोन हॉर्न ऑफर किया गया। उसके बाद यहाँ पे हाई बीम और लो बीम आपको एक ही में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें चाबी की तो कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करी गई है। केल स्विच में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। लाइट का बटन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ आपको N160 में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके डिस्क ब्रेक के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। पीछे के ब्रेक के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो एग्जॉस्ट है वो आपको अंडर द बॉडी यानी कि हिडन छोटा सा एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके कंसोल की तो ये कुछ इस तरीके से बूट अप होगा। पूरा सिमिलर है आपकी N160 जैसा। तो न्यूट्रल की लाइट आपको देखने को मिलेगी, साइड स्टैंड वार्निंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें ऑयल प्रेशर इंडिकेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ABS की लाइट, चेक इंजन लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका डिजिटल फ्यूल मीटर, यहाँ पे आपका न्यूट्रल गियर पोजीशन यानी कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, रिफ्यूल वार्निंग्स वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद AFE 2, उसके बाद आपकी एंटर वार्निंग, उसके बाद यहाँ पे IFE, DTE, फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। यहाँ पे AFE क्या होता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, DTE क्या होता है, डिस्टेंस टू MT, और सर्विस रिमाइंडर क्या होता है कि कितनी दिन कितनी किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, टाइम देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। एक बार फिर से इसे रिबूट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से रिबूट होता है। आप एक बार जाने से पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए और एक शोरूम और ऑनरोड इसकी कॉस्ट भी सुनते जाइए। तो ये इस तरीके से ऑन होती है, कोई भी साइलेंट स्टार्ट वाला फीचर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार रेड कलर आप चेकआउट कर लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, ये बहुत प्यारा लग रहा है ये रेड कलर।
उस पर सिल्वर कलर से पल्सर लिखा हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। अगर मैं अभी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो एक शोरूम कॉस्ट करती है ये आपकी 1,24,000 की, 1,24,000 रुपीज़ है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है पुणे में, महाराष्ट्र में। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो अभी मैं हूँ आपका ईशान्य बजाज पे, स्पेशल थैंक्स टू जिन्होंने मेरे को ये बाइक प्रोवाइड करी और आप तक जो इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी पुणे में वाघोली में आपकी 1,50,000 रुपये की, करेक्ट 1,50,000 रुपये की जो है आपकी ऑन रोड कॉस्ट करती है पुणे हमारे में। तो कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो में वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ पसंद है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओ, चाबी लगाने की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर, अगर सीट खोलनी है तो आप यहाँ से चाबी लगा के इसे खोल सकते हैं।